नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे पंजाबी टीवी। मैं हूं धर्मेंद्र संधू, लेकर हाजिर हूं खबरें सुपरफास्ट। काला हिरन शिकार मामले में एक रात जेल में गुजारने के बाद भी आज नहीं मिली सलमान खान को जमानत। सलमान खान की याचिका पर कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। संजिता चानू ने दिलाया कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल। चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता गोल्ड। गुलाचिका में मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस। विधायक कुलवंत राम बाजीगर के दफ्तर में किया गया कार्यक्रम का आयोजित। बड़ी संख्या में पार्टी वर्कनों ने की शिरकत। कुरुक्षेत्र में गेहूं की खरीद के सरकारी दावे हुए फेल। मंडियों में नहीं पहुंचा बारदाना। व्यापारी और किसान हुए परेशान। मंडी को जाने वाले रास्ते की हालत भी है खस्ता। लुधियाना एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। एक व्यक्ति से 2 किलो हेरोइन की बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए। जलंधर के फिलौर में किसान ने की आत्महत्या। किसान के ऊपर था 19 लाख रुपए का कर्ज। पंजाब के पूर्व खजाना मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने इराक में मारे गए प्रीतपाल शर्मा के परिवार के साथ किया दुख साझा। परिवार को दिया आर्थिक सहायता का भरोसा। कहा केंद्र सरकार से करेंगे सहायता की मांग। मोगा पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी किए गिरफ्तार। तीनों आरोपी हैं सगे भाई। 40,000 के नकली नोट किए बरामद। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा नकली नोट चला चुके हैं बाजार में। सिविल अस्पताल होशियारपुर में मरीजों को लेनी पड़ रही है बाहर से महंगी दवाइयां। डॉक्टर सरकारी पर्ची पर लिखते हैं बाहर की दवाइयां, जबकि अस्पताल में उपलब्ध हैं निःशुल्क दवाई। बठिंडा के नजदीकी गांव में हुई नवविवाहिता की मौत। 6 महीने पहले हुई थी शादी। लड़की के परिवार ने लगाए ससुराल वालों पर आरोप। कहा करते थे हमारी बेटी को तंग परेशान। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। बठिंडा की केंद्रीय जेल में हवालाती ने की आत्महत्या। NDPC एक्ट के तहत था जेल में बंद। फतेहगढ़ साहिब में पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया रोष प्रदर्शन। डिप्टी कमिश्नर को सौंपा मांग पत्र। नंगल में उपमंडल स्तर का ग्रामीण न्यायालय शुरू। ग्रामीण इलाकों के छोटे केसों का होगा निपटारा। ग्रामीण न्यायालय मोबाइल कोर्ट के रूप में मौके पर जाकर करेगा सेवाएं प्रदान। तरन तारण में फेल पास के चक्कर में छात्रा ने निगला जहर। हालत गंभीर। माता पिता ने प्रिंसिपल पर लगाए मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप। मोरिंडा में श्रद्धालुओं से भरा छोटा हाथी बेकाबू होकर पेड़ से टकराया। 19 श्रद्धालु घायल, जिनमें 7 की हालत गंभीर। नैना देवी मंदिर में गए थे माथा टेकने। खबरें सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एवन पंजाबी टीवी।